हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज संजना चौधरी और आज की वीडियो होने वाली है फ्रैंकलिन के ऊपर। फ्रैंकलिन के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियोस में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो रहता है कि आपको प्लेसमेंट मिली कि नहीं मिली। तो आज हम बैठ गए हैं आपके साथ अपनी प्लेसमेंट की स्टोरी शेयर करने के लिए। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रैंकलिन ने मुझे प्लेसमेंट दिया कि नहीं दिया, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या कंपनीज आ रही थी, किस कंपनी मैंने इंटरव्यू दिया, किस में नहीं दिया, फाइनली कैबिन क्रू कैसे बने, सारी चीजें इसी वीडियो में आपको पता चलेगी। स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपनी जर्नी फ्रैंकलिन के साथ कैसे स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मैंने एडमिशन लिया जाके, जो कि मेरा सेशन था 2019 से 2020 तक। अभी जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता गया, प्लेसमेंट आगे आते गए कि हाँ अब हमारे प्लेसमेंट आने वाली है, क्योंकि 11 महीने जब हो जाते हैं तब प्लेसमेंट में बिठाना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे जो भी इंटरव्यूज आता है वो आपसे इंटरव्यू दिलाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा वो टाइम आने वाला था, पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक में सब कुछ बंद, हम लोग चले गए घर और हमें कोई भी इंटरव्यूज देने का कोई भी मौका नहीं मिला, क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं थी तो कहाँ से इंटरव्यू कोई आता। उसके बाद फिर एक साल बाद हमारे कुछ हम दोबारा से गए फ्रैंकलिन में, कुछ हमारी क्लासेस बाकी रहती थी 15-20 दिन की, तो हमने वो कम्प्लीट की। उसके बाद थोड़े थोड़े इंटरव्यूज आने स्टार्ट हुए, थोड़े से BPO's कंपनी के इंटरव्यू आते थे, थोड़े से ट्रैवल एजेंसीज के इंटरव्यू आते थे, और उसमें ही मैं मना कर देती थी। जो भी हमारी प्लेसमेंट सेल थी फ्रैंकलिन की, तो वो मुझे कॉल करते थे कि आपको ये वाला इंटरव्यू आ रहा है, आपको अगर इंटरव्यू में आना है तो आप आ जाइए, वहाँ पे इंटरव्यू है, ऐसे वो हमारे साथ एड्रेस शेयर करते थे। तो ये सारे उसमें मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मेरा एकदम क्लियर था कि मुझे या तो कैबिन क्रू बना दो, वेल एंड गुड, कैबिन क्रू के इंटरव्यू में बिठा दो, या तो फिर मुझे ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में बिठाओ, जिससे कि मैं ग्राउंड स्टाफ बनने के बाद कुछ थोड़ा काम करने के बाद मैं कैबिन क्रू बन सकूं, या फिर उसी से रिलेटेड मुझे होटल से भेज दो, होटल का कोई भी इंटरव्यू दे दो। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये तीन ही चीज़ें थी, या तो कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, या फिर कोई भी होटल इंडस्ट्री, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ था। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद जैसे जैसे इंटरव्यूज आते गए, सबसे पहला मुझे इंटरव्यू का जो मिला, उन्होंने बोला कि हायत में आपका इंटरव्यू होगा, तो आप एक बार देख लीजिए, उसके बारे में तैयारी कर लीजिएगा। हालांकि जो मुझे इंटरव्यू नहीं दे पाई मैं, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम आ गई थी जिससे कि वो इंटरव्यू नहीं हो पाया। थोड़े दिन के बाद एक और इंटरव्यू के लिए मेरे पास कॉल आया, जो मैम थी उन्होंने मुझे कॉल किया। तो एक और अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास रेडिसन ब्लू की, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, पूरा व्लॉग बनाया था। तो अगर वो देखना है तो आई बटन में आ रहा होगा लिंक, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा। वो भी मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ पे, जो उस दिन नहीं हो पाया, उन्होंने बोला बाद में, और फिर बाद में तो कभी होता ही नहीं है, तो वो भी नहीं हुआ। थोड़े टाइम के बाद फिर मुझे एक और कॉल आता है, उन्होंने बोला है कि JP ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिजॉर्ट, वहाँ पे वैकेंसी है फ्रंट ऑफिस के लिए, तो आप वहाँ पे एक बार जाके ट्राई कर लीजिए। मैं वहाँ पे गई एंड आई गॉट सेलेक्टेड देयर। तो उसके बाद मैंने कुछ महीने वहाँ पे काम किया, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कॉन्फिडेंस पे, ओवरऑल पर्सनालिटी पे वर्क किया। और जैसे जैसे मैं वहाँ पे काम कर रही थी, मैंने कुछ महीने ही वहाँ पे काम कर पाई मैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर भी मेरी छुट्टी रहती थी तो मैं इंटरव्यूज के लिए जाती थी, कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए। और उस टाइम पे जो इंडिगो ही एक ऐसी एयरलाइन थी जो हायर कर रही थी, बाकी कोई भी हायर नहीं कर रहा थी। कुछ टाइम के बाद मैंने जैसे कि बताया था कि मेरा कितनी बार में क्लियर हुआ, तो उसके बाद मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए, जैसे जैसे रिजेक्ट होती गई वैसे वैसे एक्सपीरियंस मिलता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और एक दिन मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अभी आपके आंसर के बाद आते हैं, ये पूरी हो गई स्टोरी मेरी प्लेसमेंट की। अभी इसमें आपका आंसर देते हैं कि क्या फ्रैंकलिन ने मुझे कैबिन क्रू में प्लेसमेंट दिया है कि नहीं दिया है। सो आंसर है नो। कैबिन क्रू मैं खुद से बनी हूँ, खुद से मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं कैबिन क्रू के लिए, जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए मैंने खुद से जाके इंटरव्यू दिए हैं, किसी ने मुझे प्रेफरेंस नहीं दिया कोई कैबिन क्रू। मैं फ्रैंकलिन की तरफ से बनी हूँ, सो आंसर है नहीं, मैं नहीं बनी। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छे में समझा पाई होंगी, एकदम सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया। एक और मुझे फिर से आपसे दोबारा से क्वेश्चन है कि मैं आपके लिए वीडियो इंग्लिश में बनाऊं या फिर मैं आपको हिंदी में ये सारी चीज़ें समझाऊं, आपके लिए हिंदी में वीडियो बनाऊं, प्लीज़ मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दे दीजिए, जिससे कि थोड़ा आसानी हो जाए मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि कौन सी लैंग्वेज में मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और
अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है, कोई सवाल रहता है या कोई आपका सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है sanjana.chaudhary, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अपना, या फिर कोई क्वेश्चन मुझे वहाँ पे भेज सकते हैं। और हम बहुत सारी स्टोरीज लगाते हैं तो आप वो सब भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको अगर लगता है कि किसी के साथ शेयर करनी है तो बिल्कुल से आप शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे कोई और नई वीडियो में, कोई और आप ही के चुने हुए टॉपिक के लिए। जो आपके सवाल रहते हैं वो मेरी वीडियो का नया टॉपिक रहता है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्कार।